कि इफ़ यू गिव 6 months ऑफ योर लाइफ टू अ पर्टिकुलर थिंग, योर लाइफ विल बी चेंज बाय 180 डिग्री। बट हे गाइस, कैसे आप सभी? मैं हूँ डाक शेडो, और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसी दो चीज़ों के बारे में जो आपकी लाइफ बिल्कुल 180 डिग्री चेंज कर देगी। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। 2017 के मिड में मैंने अपना जिम स्टार्ट किया था, और जैसे कि आप देख सकते हैं इतना कुछ खास चेंज नहीं है। क्योंकि अगर कोई 4 साल अपने जिम को दे दे और सही तरीके से, तो भाई साहब वो बॉडी गदर बना सकता है। और ये मैंने रियलाइज़ कर चुका हूँ कि मैंने 4 साल दिए बट नहीं बनी। और इसके रीज़न 3 है। पहला, दैट आई वॉज नॉट कंसिस्टेंट। दूसरा, कुछ ज़्यादा ही डिस्ट्रैक्टेड था। तीसरा, डाइट। तो ठीक है, डाइट को मैं एक पल के लिए थोड़ा सा साइड कर सकता हूँ कि हाँ, दैट अगर मैंने एक्सरसाइज सही से की होती तो मैं डाइट भी ले लेता। बट जब मैं कंसिस्टेंट ही नहीं था, मैं डिस्ट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा था, हद से ज़्यादा, तो मैं नहीं कर पाता। फेलियर नंबर 2, अकेडमिक लाइफ। मैं 10th तक मैं ऑन एन एवरेज ठीक था, बट उसके बाद मेरा ग्रोथ होने की वजह एकेडमिक लाइफ मेरी डाउन होती गई। 11th आया डाउन, 12th थोड़ा सा मैंने राइज किया 11th के कंपेटेबल, और 10th से तो मैं कम ही था। फिर देन मैंने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, और ये मेरा फाइनल ईयर है, फाइनल सेमेस्टर। और मैंने मेरा ऐसे जा रहा था, और अब थोड़ा सा मैंने ऊपर हुआ है। और जो ये ऊपर हुआ है, इसका कारण कि मैंने एक सही टाइम पे आके मैंने अपने आप को पता कर लिया कि दैट मैं क्या गलती कर रहा था। और सबसे बड़ी उसमें भी यही गलती थी, दैट आई वॉज नॉट कंसिस्टेंट, आई वॉज नॉट डिसिप्लिन्ड। क्योंकि मैं उनमें से नहीं हूँ जिनका एक रात पढ़ के भला हो जाता है। नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। मैं अगर महीने भर या 1.5 महीने पहले प्रिपरेशन स्टार्ट ना करूँ तो मेरी बैंड बच जाती है लास्ट मोमेंट में। क्योंकि लोगों क्या होता है कि इंजीनियरिंग में कहते हैं कि भाई एक रात पढ़ के बंदा पेपर निकाल लेता है, लेकिन मुझे जब मेरा टेंशन लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है तो मुझे नींद आती है। मेरा भाई और मेरे मतलब दोनों कजन जो हैं वो मेरे साथ ही पढ़ रहे थे, और वो पूरी रात लगाते हैं, पढ़ा पूरी रात लगाई, सुबह गए पेपर दे के आ गए, और मस्त नंबर भी आ जाते हैं। ठीक है, थर्ड फेलियर ऑफ माई लाइफ इज़ यूट्यूब। 2016 में मैंने अपना यूट्यूब स्टार्ट किया था, और उस वक्त मेरा एक दूसरा चैनल था, मैं वहाँ पे मतलब कंटेंट राइटिंग करता था, तब तो मैंने स्टार्ट किया था। और अगर मैंने उस चीज़ को थोड़ा सा भी सही तरीके से कंसिस्टेंटली लिया होता, डिसिप्लिन तरीके से लिया होता, तो वो ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट आज मेरे 10K से ऊपर तो होते ही होते हैं। ठीक है, क्योंकि इस चैनल पे मेरे आई थिंक 200 सब्सक्राइबर्स भी नहीं है, और जो मेरा पहले वाला चैनल था उस पर भी ज़्यादा नहीं है, मतलब इतना इतने भी नहीं है दैट कि वो चैनल मोनेटाइज हो सके। आप समझ सकते हैं इतना मैंने हिंट दे दिया कि कितने सब्सक्राइबर्स होंगे उस पर। तो ये 3 मेजर फेलियर थे मेरी लाइफ के, और इन तीनों के जो मैंने निचोड़ निकाला कि दैट क्यों हुए ये, तो दो ही चीज़ें सामने आती है, CD। कंसिस्टेंट नहीं था मैं, डिसिप्लिन नहीं था, यानी कि कंसिस्टेंसी नहीं थी, डिसिप्लिन नहीं थी। अब उस कोट के ऊपर आते हैं जो मैंने शुरू में कहा था, दैट कि इफ़ यू गिव 6 months ऑफ योर लाइफ टू अ पर्टिकुलर थिंग, योर लाइफ विल बी चेंज बाय 180 डिग्री। बट हेयर इज अ टिप फॉर यू कि वहाँ पे डिसिप्लिन उससे ऐड कर लो, कंसिस्टेंसी उसमें ऐड कर लो, तो ही जाके आपकी लाइफ 180 डिग्री चेंज होगी। आप लाइक 6 महीने के लिए अपनी सोसाइटी से सबसे सबसे अलग हो जाओ और कुछ ना करो, वेले पड़े रहो, तो कुछ भी नहीं होगा भाई। जहाँ थे ना वहीं के वहीं रह जाओगे, जीरो से स्टार्ट हो जीरो पे रह जाओगे। तो अगर आपको चेंज करना है, 6 महीने दो अपनी लाइफ को, 180 डिग्री चेंज होएगी। बट दो चीज़ हमेशा याद रखनी है, पहला कंसिस्टेंसी, सेकेंड थिंग डिसिप्लिन। और अगले 6 महीने के लिए मैं इस चैनल पर जितना हो सकेगा वीकली एटलीस्ट एक वीडियो डालने की कोशिश करूँगा, ये मेरी कंसिस्टेंसी हो जाएगी। सेकेंड थिंग मैं डिसिप्लिन अपने आप को कैसे करूँगा कि मेरा जो दूसरा चैनल है अभी मैंने न्यू बनाया, उस पर मैं जो गेम अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हूँ उस पर अपनी स्टडी ब्लॉग टाइप होगा वो मैं उस पर डाला करूँगा। तो अगर किसी को मेरी कंसिस्टेंसी मतलब डिसिप्लिन देखना हो तो आप उस पर देख सकते हो, और उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पर जाके चेकआउट कर लेना। और रही बात इस चैनल की, इस चैनल पर वीडियोज़ आती रहेंगे, एटलीस्ट वीक में एक वीडियो तो आएगी ही। गाइस, आपको वीडियो पसंद आएगी, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं अगली वीडियोस के साथ जल्दी ही। मैं हूं डार्क शैडो, साइनिंग ऑफ।